आज हम फर्स्ट चैप्टर सेंस जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने अभी तक क्या जाना था कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी इस वीडियो में हम डिटेल में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो दैट मींस सेल्फ एंड ट्रॉफिक मींस नरिशमेंट, यानी सेल्फ नरिशमेंट, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें खुद से अपना फूड प्रिपेयर किया जाता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। किस में पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में। और इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट में जो फूड सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? लीफ में। ग्रीन प्लांट्स में जो फूड सिंथेसिस होता है वो होता है लीफ में, और इसी वजह से लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, भोजन बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि लीफ में ही क्या है? फूड बनाया जा रहा है, इसलिए लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। कई ओलंपियाड्स या केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लीफ विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री, एंड द ऑप्शंस आर लीफ, रूट, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर। तो हमें पता होना चाहिए कि लीफ इज आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स में फूड किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। किससे? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो उसे हम डिटेल में समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस से किस तरीके से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस बिल्डिंग अप। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस बिल्डिंग अप। दैट मींस लाइट की प्रेजेंस में जो फूड बन रहा है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन खुद फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें प्लांट्स को फोर चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और वो फोर चीजें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स में ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। समझ में आया? अब देखिए, ये मैंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी है, प्रोसेस लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है और क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट तो एटमॉस्फेयर से मिलेगी और क्लोरोफिल लीव्स में, ग्रीन लीव्स में होता है, तो क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज बनेगा और उसके साथ क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज तो प्लांट का फूड है, जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है वो क्या है? ग्लूकोज। और ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और इस ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स और ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। और एनिमल और ह्यूमन क्या रिलीज करते हैं? फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? ग्रीन प्लांट्स।
फिर वो वाटर के साथ मिक्स होता है और वापस से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। इस तरीके से प्लांट और एनिमल्स आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और ये बैलेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। अब देखिए आगे समझिए, चार चीजों की जरूरत है प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका किस तरीके से यूज किया जाएगा। और ये जो ग्लूकोज बनता है बच्चों प्लांट में, ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च में, और फिर ये स्टार्च के रूप में ही, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर रहता है। देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस में हमें फोर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चार चीजों की जरूरत है। फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड वाटर, थर्ड क्लोरोफिल एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये फोर चीजें प्लांट्स के लिए बहुत नेसेसरी हैं, इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो देखिए सनलाइट का क्या रोल है, सन से जो सनलाइट आ रही है डे टाइम में वो प्लांट लेता है, और जो सन की एनर्जी है यानी जिसे हम कहते हैं सोलार एनर्जी या लाइट एनर्जी, इस एनर्जी को ये प्लांट किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड। वापिस सुनिए, सनलाइट जब प्लांट को मिलती है तो वो सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है, सोलार एनर्जी, और वो सोलार एनर्जी को प्लांट्स किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद वाटर, जो भी वाटर सॉइल में है उस वाटर को रूट एब्जॉर्ब करती है, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और स्टेम के अंदर बच्चों दो टिश्यू होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे घरों में पाइप के थ्रू पूरे घर में वाटर की सप्लाई होती है, इसी तरीके से कुछ ट्यूब्स प्लांट के अंदर स्टेम में होती हैं, जिन्हें कहते हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स, और वो कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम क्या करती है, वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। ये जाइलम वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरीके से वाटर पहुंच गया लीव्स तक, सनलाइट लीव्स तक जाएगी। अब देखिए क्लोरोफिल, लीव के अंदर हमें पता है क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल किसमें होता है, लीव के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। लीव के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, जो प्लांट को कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ये क्लोरोफिल क्या काम आता है, ये जो क्लोरोफिल है ये इट ट्रैप्स सोलार एनर्जी, यहाँ एनर्जी लिखने से रह गया, लिख देती हूँ मैं अभी। इट ट्रैप्स सोलार एनर्जी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है यानी सनलाइट को अपनी तरफ लेता है, ये क्लोरोफिल। और जब ये सनलाइट को लेगा तो लीफ को सनलाइट मिल गई यानी सोलार एनर्जी मिल गई। अब लीफ उस सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलकर क्या बना लेगी, ग्लूकोज बना लेगी, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इजीली परफॉर्म होगी। तो ध्यान रहेगा हमें कि क्लोरोफिल वो कंपोनेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, जो सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सनलाइट नेसेसरी है, वाटर नेसेसरी है, और क्लोरोफिल भी नेसेसरी है। इसके अलावा देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को। तो जो ह्यूमन या एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें वो क्या रिलीज करते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं,
और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं। तो अब ये प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होती है? प्लांट में बच्चों छोटे छोटे से लीव्स में पोर होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं जिन्हें? जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। टिनी पोर्स प्रेजेंट अंडर साइड द लीव इज कॉल्ड स्टोमेटा। टिनी पोर्स प्रेजेंट अंडर साइड द लीव आर कॉल्ड स्टोमेटा। यानी जो लीफ है हमारी, इस लीफ में नीचे की तरफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, और इन पोर्स की हेल्प से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। प्लांट को जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तब वे पोर्स ओपन हो जाते हैं और इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। लेकिन ये जो स्टोमेटा है, ये पोर्स है, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन किस पर डिपेंड करती है? जैसे हमारी रक्षा के लिए क्या होता है? गार्ड होता है, गार्ड होता है। इसी तरीके से इन स्टोमेटा को कब खुलना है और कब बंद होना है, इसके लिए इसको कंट्रोल करती है गार्ड सेल्स। कि कौन कंट्रोल करती है? गार्ड सेल्स। तो जैसे ये छोटा सा पोर है, इस पोर के चारों तरफ देखिए, जैसे ये पोर है, ये मिड वाला क्या है? पोर। इस मिड वाले पोर के चारों तरफ दो होती हैं गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल इसको प्रोटेक्ट करती है। देखिए डायग्राम से आपको बेटर समझ में आएगा। ये तो है पोर, ये वाला जो है ये क्या है? एक स्टोमा। स्टोमेटा बेटा प्लूरल शब्द है और स्टोमा जो है वो सिंगुलर शब्द है। तो स्टोमा एक पोर है, इसलिए मैं स्टोमा वर्ड बोल रही हूँ। और अगर बहुत सारे पोर्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमा है, इसके दोनों तरफ आपको ये किडनी जैसी बीन की शेप की गार्ड सेल्स दिख रही हैं। ये देखिए, ये मैंने दोनों गार्ड सेल बताई हैं। ये अंदर क्या है? ये एक पोर है और इसके दोनों तरफ क्या है? गार्ड सेल्स। ये एक पोर स्टोमा और इसके दोनों तरफ क्या है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोज्ड स्टोमेटा। ये क्या हुआ? दोनों गार्ड सेल श्रंक हो गई, सिकुड़ गई और स्टोमेटा बंद हो गया। और जब ये गार्ड सेल फूलेंगी, स्वोलन होगी, तो बीच में गैप रहेगा जिसे हम कहेंगे स्टोमा। अब ये स्टोमा खुला हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एंटर कर जाएगी, यहाँ स्टोमा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी। तो डे टाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो बीच बीच में स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करती है? गार्ड सेल करती है। तो जब ओपन है स्टोमा तब गार्ड सेल सोलन है, फूली हुई है, और वरना गार्ड सेल क्या है? शंकन, सिकुड़ी हुई है। इसके अलावा इसके बीच में यहाँ वैक्यूल होता है और ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट। दिस इज ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट, दिस इज वैक्यूल, दिस इज सेल वॉल एंड ये है गार्ड सेल। हमें मतलब है किससे? स्टोमा से। स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल होती है गार्ड सेल्स, ध्यान रहेगा। तो हमने फोर कंपोनेंट्स डिस्कस किए, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इन चारों की हेल्प से ही क्या होती है? इन चारों की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और उसकी इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? उसकी इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज की, वाटर यूज किया, और क्या बना? ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज के साथ ही ऑक्सीजन भी बनी। और क्या जरूरी था? क्लोरोफिल जरूरी था, और उसके साथ क्या जरूरी था? सनलाइट भी जरूरी। प्लांट इस ग्लूकोज को स्टार्च में बदल कर रखते हैं और इस रूप में, स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करके अपनी बॉडी में रखते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन प्लांट एज अ फूड। थैंक यू।